दिल्ली से 5 दिसंबर को गायब 13 साल की नाबालिग बच्ची मिली। भागलपुर स्टेशन पर अपने माँ पिताजी के साथ ना जाकर सलमान नामक युवक के साथ रहने की बात करते दिखी। दिल्ली के मध्य जिला नवीकरण थाने में 5 दिसंबर को 13 साल की नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। पिता नवी के द्वारा बच्चे की गुमशुदगी को लेकर लगातार तलाश भी कर रहे थे। वही थाने में भी मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जांच में जुटी और झारखंड के राधानगर उधवा से नाबालिग बच्ची को सलमान नामक युवक के साथ बरामद किया। वहीं सलमान की गिरफ्तारी के बाद बच्ची ने भागलपुर स्टेशन पर जमकर हंगामा किया और वह अपने माता पिता के साथ नहीं जाकर सलमान के साथ जाना चाह रही थी, जिसके बाद रेल पुलिस ने सभी को थाने लेकर आई और समझा बुझाकर बच्ची को माँ पिता के हवाले किया। वहीं गिरफ्तार युवक को पुलिस दिल्ली लेकर चली गई है। अरे मम्मी पापा है तो सुनिए दिल अजीज, नौगछा में भी खुल गया जावेद हबीब। नौगछा क्षेत्रवासी के लिए खुशखबरी, अबले ब्रांडेड सैलून का आनंद महिला व पुरुष दोनों के लिए। हाई टीच फैसिलिटी के साथ ब्रांडेड सैलून का आनंद। पुरुषों की हेयर कटिंग सेविंग, महिलाओं की हेयर कटिंग, आईब्रो पेडिक्योर मैनिक्योर सहित कई दर्जन सुविधाओं का ले आनंद। मात्र 120 रूपए से पुरुष एवं मात्र 40 रूपए से महिलाओं की सर्विस है शुरू। दुल्हा दुल्हन को मेकअप एक्सपर्ट करेंगे तैयार। हमारा पता दुर्गा मंदिर रोड बोरा गद्दी के समीप डॉक्टर मन्नान के क्लिनिक के समीप। कॉल करें 7261008924। जावेद हबीब नौगछा का पहला ब्रांडेड सैलून।